अपने चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुने। मैंने मैट्रिक के इम्तिहान दिए ही थे कि मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई, लेकिन मेरी अम्मा ने हर आने वाले रिश्ते को मना कर दिया कि अभी इरसा बहुत छोटी है। ये बात ठीक भी थी, लेकिन मेरी माँ का ये उज़र बहुत तूल पकड़ने लगा था। मैंने बीए कर लिया तब भी वो मेरी तालीम का बहाना करके हर रिश्ते को मना करती रहती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी और बहुत पुरकशिश थी। जहाँ भी जाती लोग देखते रह जाते थे। हम सफ़ेद पोश लोग थे, इसीलिए मैं हमेशा सादा लिबास में हुआ करती, मगर लोग इसी सादगी में भी मुझे पसंद कर लिया करते थे। वक्त गुजरने लगा था, मैंने टॉप किया था और मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। वो भी अम्मा के कहने पर मैं राज़ी हुई थी जॉब के लिए, वरना मुझे मास्टर्स करना था। मगर अम्मा का कहना था कि घर में तीन बहनें बैठी हैं, इनकी तालीम का खर्चा कौन उठाएगा। अब्बा को गुजरे हुए 2 साल होने को आए थे। मैं भी मजबूरन जॉब करने लगी। लोग हैरान थे कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब कैसे मिल गई। मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। मैं सारे पैसे अम्मी को दिया करती थी, बस चंद हज़ार अपने लिए रखती थी, क्योंकि मुझे जॉब के लिए अच्छे कपड़ों की ज़रूरत थी और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि मेरी पिक एंड ड्रॉप कंपनी के ज़िम्मे थी। अब तो मेरे लिए बड़े घरों से भी रिश्ते आने लगे थे, मगर अम्मा हर बार मना करती थी। मैं अब थक चुकी थी, मुझे एक जीवन साथी की ज़रूरत थी जो मेरे दुख सुख में मेरा साथ दे, मगर अम्मा ने जैसे मुझे पैसे कमाने की मशीन समझ लिया था। कई बार तो मैं इनको दबे अल्फाज में कह भी चुकी थी कि मुझे अब शादी करनी है, मगर वो एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। इन्हीं दिनों मेरे एक कोलीग ने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं हैरान रह गई। वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और इनकी तलाक भी हो चुकी थी, एक 9 साल बेटी भी थी। इनके मुंह से शादी का पैगाम सुनकर मैं शस्तर रह गई। मेरे तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसकती महसूस हो रही थी। घर आकर मैं अपने कमरे में बंद हो गई और खूब रोई। अपनी किस्मत पर कल तक अच्छे खासे खुश शक्ल नौजवानों के रिश्ते आया करते थे, और अब अम्मा की बेहसी की वजह से उधेड़ उम्र लोग मुझसे शादी के ख्वाहां थे। मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, मेरी अपनी माँ को कोई एहसास नहीं था कि मेरी उम्र निकले लगी है, मगर इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था। इनका कहना था कि लोग मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ, और अब तो मेरी प्रमोशन भी हो गई थी। हमने घर को भी बहुत अच्छे से बनवाया था, रंगो रोगन करवाया, ऊपर 2 कमरे डलवा दिए ताकि ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे सकें। ये सब मेरी अंथक मेहनत का नतीजा था, मगर अफसोस इस सब में मुझे कोई खुशी और सुकून हासिल नहीं हो पा रहा था। मुझे तो बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरे नाज नखरे उठाए और मेरा ख्याल रखे। अब तो मेरी मांग में काफ़ी सफ़ेद बाल भी आ गए थे, जिन्हें मैं कलर करके छुपा दिया करती थी। मैं समझ चुकी थी कि अम्मा मेरी शादी कभी होने नहीं देंगी। एक दिन जब मैंने उनको कहा कि आज कुछ लोग आ रहे हैं रिश्ता के लिए, तो वो काफ़ी आग बगोला हो गई मुझ पर कि तुमसे जवानी संभल नहीं रही कि खुद ही रिश्ते वालों को बुलावा भेजा है। इनके मुँह से ये सब सुनकर बहुत तकलीफ हुई, मगर मैं सह गई। मुझे अब हर सूरत में निकाह करना था। ये रिश्ता मेरी सहेली सवेरा ने बताया था, जो अब खैर से 4 बच्चों की माँ थी। इसका देवर जो कि रंडवा था, इसका रिश्ता बताया था। औलाद कोई नहीं थी, 1 साल पहले बीवी का इंतकाल हो गया था। सवेरा ने समझाया था कि मैं अब किसी गंवारे लड़के के ख्वाब देखना बंद कर दूँ और जो इसका देवर है इसी से निकाह कर लूँ, और वो बहुत अच्छा इंसान है, कमाता भी अच्छा है, इसका बिजनेस चल रहा है। तभी मैंने इन लोगों को बुलवाया था, मगर इनके आते ही अम्मा ने इनकी खूब बेइज्जती कर डाली। उन्होंने कहा कि तुम लोग सिर्फ इसलिए इरसा के पीछे पड़े हुए हो कि ये बहुत अच्छी पोस्ट पर फाइज है, और मैं हरगिज़ किसी लालची इंसान को अपनी बेटी नहीं दूंगी। ऐसे बातें सुनकर भला कौन शरीफ इंसान बर्दाश्त कर सकता था। वो लोग भी गुस्से में आकर वहाँ से चल दिए। इस रात मैं अम्मा के सामने खड़ी हो गई थी। अम्मा, आपने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया, अब देखिएगा मैं खुद किसी से शादी कर लूँगी और आपका ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। मेरी बातें सुनकर अम्मा रोने पीटने लगीं कि कैसी बेहया लड़की है जो अपनी शादी के लिए मरी जा रही है, मगर मैं जैसे अब पत्थर की हो चुकी थी। इनका रोना धोना मुझ पर कोई असर नहीं कर रहा था। ऊपर वाले पोर्शन में एक लड़का आया था किराए पर, इसका नाम अली था। वो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा था, लेकिन आते जाते वो मुझको पसंदीदगी की नज़र से देखा करता था। एक दिन मैंने इसको अकेले में बुलाकर पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मेरे सवाल पर वो काफ़ी बौखला गया था, मगर फिर बोला, आप मुझे पसंद हैं मगर मेरे हालात ठीक नहीं चल रहे, जॉब नहीं लगती, इसीलिए गुजारा मुश्किल है, आपको कोई सुख कैसे दूंगा। मैंने कहा, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं जॉब करती हूँ और घर चला सकती हूँ।
अगर तुम राजी हो तो हम आज ही निकाह कर लेते हैं। मेरे कहने पर वो काफ़ी हैरत में था, मगर फिर भी इसने निकाह की हामी भर ली थी। हमने दूसरे दिन ही बिना किसी को बताए निकाह कर लिया और मैंने अली से थोड़ा वक्त मांगा जब तक मैं किसी अच्छी जगह पर किराए का घर का बंदोबस्त करती, लेकिन अली ने खुद ही इसका बंदोबस्त कर दिया। मैंने अपना सामान पैक किया और अम्मा से कहा, मुझे जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ रहा है कुछ दिन के लिए। अम्मा को कोई एतराज़ ना था। मुझे सख्त अफसोस हुआ कि उन्होंने एक बार भी परेशानी का इजहार नहीं किया कि तुम अकेली कैसे जाओगी वगैरह वगैरह। इनको बस इत्मीनान था कि मुझे दूसरे शहर जाने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। मैं जो पहले कुछ शर्मिंदा थी, अब वो शर्मिंदगी भी जाती रही थी। मेरी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं दिल में बहुत सारा बोझ लिए इस घर से निकल आई थी। बाहर अली मेरा इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों इस किराए के मकान में आ गए, मगर वहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ काफ़ी कुछ बुरा हो चुका है। मैंने महसूस किया कि अली मुझसे दूर दूर सा रहता था। हम दोनों अज़्वाजी रिश्ते में बन चुके थे, मगर वो मुझसे काफ़ी घबराता था। खैर, मैंने सोचा हमारी शादी अचानक हुई है, तभी शायद इसे कुछ वक्त चाहिए, और इसी वजह से मैं खामोश हो गई। लेकिन मुझे वो बहुत पसंद था। इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, अच्छे कपड़े ज़ेबतन करता तो शहजादा लगता था। मैं इसके साथ बाहर जाती तो लोग हमें रश्क भरी निगाहों से देखा करते और मुझे फ़ख्र महसूस होता। मैंने इसे बहुत सारी शॉपिंग करवाई थी और मैंने घर के लिए काफ़ी सामान भी लिया था। एक हफ्ते बाद मैंने अम्मा को कॉल करके बताया कि मैंने शादी कर ली है और वो ये कि मुझे माफ़ कर दें। अब भी मैं इनको खर्चा दिया करूँगी, मगर पहले जितना नहीं, क्योंकि अब मेरा अपना भी घर था और खर्चे थे। मेरी बात सुनते ही अम्मा फ़ोन पर ही चीखने चिल्लाने लगीं। उन्होंने मुझे कई बददुआएँ दे डाली। मैं खामोश ही दिल पर पत्थर रखकर सुनती रही। मुझे इनसे यही उम्मीद थी। मैंने अपने कुलीस को भी अपने घर दावत पर बुलाया था ताकि सबको इल्म हो जाए। कुछ लोग मुझ पर तंज भी कर रहे थे कि अपने से काफ़ी छोटे लड़के से शादी की थी, मगर मुझे अब किसी की परवाह नहीं थी। अली के पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो घर पर ही बैठा रहता या फिर बाहर आवारा गर्दी के लिए निकल जाया करता। मैंने काफ़ी ऐसा बर्दाश्त किया। फिर एक दिन मैंने इसे कहा कि आखिर कब तक वो इस तरह बैठा रहेगा। इस दिन वो मुझसे नाराज़ हो गया और मुझे कहा कि अगर मैं तुम पर बोझ हूँ तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। इसकी ये बात सुनकर मैं तो दंग रह गई। आज से पहले इसने कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। मैं काफ़ी देर तक बस वहीं खड़ी रही और वो बाहर निकल गया। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, मगर मेरी इज्जत बहुत करता था। हर वक्त मेरी जी हजूरी में लगा रहता था, यहाँ तक कि मुझे पानी के लिए भी उठने नहीं देता था। इसकी ये बातें मुझे बहुत पसंद थी। मेरे सारे काम वो कर दिया करता था बिना कहे। लेकिन अब भी हम में पहले दिन वाली दूरी थी और आज अली के दूर जाने का सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। इसके बिना मैं कैसे रहूंगी, ये ख्याल मेरे दिल पर कोड़े बरसाने लगा था। मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा इससे कोई बाज़पुरस नहीं करूंगी। अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। पहले ही लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, इन लोगों को फिर से मौका मिल जाता। रात को जब अली घर आया तो मैंने इससे माफ़ी मांगी कि मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था। मेरी बात सुनकर वो भी काफ़ी शर्मिंदा हुआ और कहा, इस वक्त मैं न जाने क्यों गुस्से में आ गया था। मैं वादा करता हूँ कि आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इसकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठी थी। मैं हर वक्त अली को जेब खर्च दिया करती थी ताकि इसे मुझसे मांगना ना पड़े, और अब मैंने इसका जेब खर्च बढ़ा दिया था। मुझे खौफ था कि मुझे छोड़कर वो चला ही ना जाए। अली के घर वाले इससे मिलने कभी नहीं आए थे, बस कभी कभार वही मुल्तान चला जाता था इनसे मिलने के लिए। लेकिन जब भी जाता मैं इन सब के लिए तहाइफ भेजा करती थी। अली कराची में जॉब ढूंढने की गरज से ही आया था, मगर अब ऐसा लगता था कि इसे जॉब की कोई ख्वाहिश ना थी। इसे सब बैठे बिठाए मिल जाया करता था। हमारा घर छोटा सा था जहाँ दो कमरे थे। अली ज़्यादातर दूसरे कमरे में सोया करता था, मगर जब मैंने कमरे में एसी लगवाया तब वो मेरे ही कमरे में नीचे गद्दा बिछाकर सो जाता था। इसे होते हुए मुझे तहफ़ का एहसास होता था। घर का किराया भी मुझे कंपनी की तरफ से मिलने लगा था। अब मैं अम्मा के पास बहुत कम रकम भेज पाती थी। रोज़ कोई ना कोई खर्चा निकल आता था। अम्मा से अब मेरी कोई बात नहीं होती थी। मैं बस इनके घर पैसे भिजवा दिया करती थी। अम्मा को मेरे घर का एड्रेस भी मालूम नहीं था। वक्त गुजरने लगा। मैं अपने बिस्तर पर लेटी कब से 2 बजने का इंतज़ार कर रही थी। अभी सिर्फ 12 बजे थे। अली सो चुका था और मैं चाहती थी कि आस पड़ोस के लोग भी गहरी नींद सो जाएं। यही वक्त था जब मैं घर से बाहर निकल सकती थी। वैसे भी यहाँ के लोग जल्दी सो जाया करते थे। मैंने आज सोच लिया था कि किसी न किसी तरह यहाँ से निकलना है। मेरा शौहर अली तो 10 बजे ही सो गया था। मैंने हल्के से गर्दन मोड़कर इसकी जानिब देखा। वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। इसे इस तरह बेफिक्री से सोता देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। जिस इंसान के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था, इसे ज़रा भी परवाह नहीं थी कि मुझ पर इस वक्त क्या बीत रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था।
जब अली को इस तरह खुद से बेपरवाह देखा करती थी, न जाने किस बात की सजा दे रहा था वो मुझको, मगर आज मैं खामोश बैठने वाली नहीं थी। बस इस पल का इंतजार कर रही थी जब मुझे यहाँ से निकलना था। मैं बार बार वक्त देखे जा रही थी। जैसे ही घड़ी ने रात 2 बजे का वक्त बताया, मैं इसी वक्त आहिस्ता से उठी। मेरी नजरें अब भी अली की तरफ थीं, कहीं वो किसी आहट से जाग ना जाए। धीमे से मैंने अपने पैर जमीन पर रखे और चप्पल पहने बिना दबे पाँव कमरे से बाहर निकल आई, वरना चप्पल की आवाज पर शायद वो जाग जाता। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, हाथ पैर भी कांप रहे थे, मगर मुझे हर हाल में आज जाना था। मैंने कमरे से निकलकर पीछे मुड़कर देखा, अली अब भी गहरी नींद में था। वो नींद में खराटे लिया करता था और कमरे से बाहर तक इसके खराटों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने बरामदा अबूर किया और छोटे से लोहे का गेट अबूर किया, चारों जानब नजर दौड़ाई। इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा था, पूरी गली सुनसान पड़ी थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती नाक की सीट पे चलती जा रही थी। कभी कभी खौफ के मारे पीछे मुड़कर देख लिया करती कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, मगर वहां कोई भी नहीं था। पूरा मोहल्ला मीठी नींद के मजे ले रहा था, जबकि मैं ही नसीबो जली थी जिसको रात के इस पहर चोरों की तरह निकलना पड़ा था। औरत की भी क्या कहानी है, अगर वो इस वक्त घर से निकले तो बदजात बेहया कहलाती है, जबकि मर्द अगर इस वक्त घर से निकले तो इसके किरदार पर कोई सवाल नहीं उठाया करता। मगर आज मुझे कोई भी खौफ वहां जाने से रोक नहीं पा रहा था। मेरे अंदर की औरत जाग चुकी थी। मैं बहुत तेज कदम उठा रही थी ताकि जल्द अज जल्द वहां पहुंच सकूं। 2 किलोमीटर का रास्ता मुझे पैदल ही तय करना था, क्योंकि इस वक्त कोई सवारी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होना था, और मुझे फजर से पहले वापस भी आना था ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। अली तो सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठता था, मगर मुझे मोहल्ले वालों का डर था जो जल्दी उठने के आदी थे। दिल में खौफ भी था, मगर मेरा जुनून मुझे खींचे जा रहा था। कई बार मैं गिरते गिरते बची, हर जगह कोई ना कोई पत्थर आ जाता पाँव के नीचे। मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी, पाँव के अंगूठे से खून रस रहा था। एक नोकीला पत्थर चुप गया था, लेकिन ऐसे कई पत्थर मेरी रूह में भी चुप गए थे जो मैं जाने कब से बर्दाश्त करती आ रही थी। एक लम्हे को मेरे कदम लड़खड़ाए थे कि जाने आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हर कोई मेरी किरदार पर ही उंगली उठाएगा। बस एक पल को मैं सोच में पड़ गई कि मैं वापस चली जाऊं, मगर फिर मुझे अपनी महरूमियां याद आ गई जो मुझे अली से शादी करने पर मिली थी। वो शख्स जिसे मैंने बहुत चाहा था, उसने मेरी झोली में 2 पल मोहब्बत के नहीं डाले थे। इस बेपरवाह शख्स के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, अपना आप तक मार डाला, मगर इसने मेरे साथ वो सब याद आते ही फिर से तेज कदम उठाती आगे जाने लगी। मेरे दिलो दिमाग में जो खौफ था वो अब जाता रहा था। चलते चलते आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। इस जगह को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि दिल उछल कर हलक में आ गया था। अब मेरे कदम डगमगाने लगे थे। क्या मैं ठीक कर रही हूँ, ये ख्याल आते ही मुझे ठंडे पसीने आने लगे थे। रुक जाओ इरसा, ये गुनाह है, ये आवाज़ मेरे कानों में आई जा रही थी जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। मगर मैं क्या करती, मैं अपनी ख्वाहिशात को कब तक दबाती आखिर। मैंने अपने कानों पे हाथ रख दिए और अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मेरे अंदर की वो आवाज़ दम तोड़ती जा रही थी। मेरे पैरों में जख्म भर चुके थे, बिना चप्पलों के जो यहाँ तक आई थी और जिसके लिए आई थी, क्या वो कभी मेरी तकलीफ समझ भी पाएगा, ये सवालात मेरे जहन में उठ रहे थे। मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी, वैसे भी आज तक किसी ने मेरा सोचा ही कहाँ था। मैंने धड़कते दिल के साथ हाथ बढ़ाकर इस लकड़ी के पुराने दरवाजे को धकेला था और सामने ही इसे देखकर मैं रह ना सकी और जल्दी से इसकी जानब लपकी। फजर का वक्त होने से पहले मैं बमुश्किल वहां से निकल आई थी। अब कोई घबराहट नहीं थी, मेरे दिलो दिमाग में बस सुकून ही सुकून था। खुशी मेरे अंग अंग से फूट पड़ रही थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती जा रही थी। अभी काफी अंधेरा था, कच्ची पक्की सड़क पर चलने से मेरे पैरों तले छाले से पड़ गए थे, मगर मैं एक पल को भी रुकी ना थी। मैंने बड़ी सी चादर में चेहरा छुपा रखा था, मुझे खौफ था कि सूरज की किरणें रोशनी ना फैला दें, लेकिन मैं पहली किरण फूटने से पहले ही अपने घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचकर मैंने सुख का सांस लिया और बिस्तर पर गिर सी गई। अब महसूस हो रहा था कि मैं कितनी थक चुकी थी, मगर मैं बहुत खुश थी। अब मैं इसके बिना एक पल भी नहीं गुजार सकती थी, मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब मेरे पैर जमीन पर ना टिक रहे थे। मैंने सोच लिया था कि अब इसे अपने घर ले आऊंगी, क्योंकि मुझे अब अली की कोई परवाह नहीं थी। मैंने अली की जानिब देखा तो वो अब भी खराटे ले रहा था। मुझे अजीब सी नफरत होने लगी इसके वजूद से। ये वो शख्स था जिसकी मोहब्बत में मैंने अपने घर बार को छोड़ा था, अपना सुकून आराम सब बर्बाद किया था, मगर ये था कि मेरी सियाजतों को बुला बैठा था। मैं अली के इश्क में अंधी हो चुकी थी, हर वक्त इसे खुश करने का सोचा करती थी, मगर आज से 3 हफ्ते पहले मुझे अजीब सी गड़बड़ का एहसास होने लगा था।
मैं जब भी जॉब से थकी हारी घर पहुंचती, मुझे लगता जैसे कोई मेरे पीठ पीछे यहाँ आया था। मैं पूछती तो वो टाल जाया करता कि कौन आ सकता है यहाँ। लेकिन एक दिन जब मैं अली का बिस्तर झाड़ रही थी तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि चादर में से कोई चीज़ गिरी थी। छन की आवाज़ में मैं मुतवज्जो हुई तो फर्श पर एक बाली गिरी हुई मिली। मैंने इसे उठाकर देखा, मेरे पास तो ऐसी कोई बाली ना थी। भला ये किसकी थी और अली के बेड पर क्या कर रही थी? अजीब से ख्यालत मुझे बेचैन कर रहे थे। मैं इसी वक्त अली को कॉल मिलाई कि जल्दी घर आओ, रात का खाना वो लाने गया हुआ था। इसके आते ही मैंने इसे बाली दिखाई, ये किसकी है और यहाँ क्या कर रही थी? मैंने माथे पर बल लाकर पूछा तो इसके चेहरे पर एक साया सा लहराया, मगर अगले ही लम्हे वो नॉर्मल हो गया और कहने लगा, ये तो मैंने ली थी तुम्हारे लिए, मगर मेरी बदकिस्मती देखो, इसकी दूसरी बाली ना जाने कहाँ गिरा दी। मैंने वो हंसने लगा। इसकी बात पे मुझे यकीन तो नहीं आया, मगर मैं खामोश हो गई। लेकिन अब मैं काफ़ी चौकन्ना हो गई थी, क्योंकि कई दिन से मुझे एक मखसूस खुशबू का भी एहसास हो रहा था। अगले दिन मैंने फिर से इसके कमरे का जायज़ा लिया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ इसके बेड पर मुझे लंबे बाल मिले जो यकीनन किसी लड़की के ही थे, कुछ तकिए पर, कुछ चादर पर। सदमे से वो मैं सब देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे धोखा भी दे सकता है। मैंने इसी वक्त इससे सवाल किया तो वो मुझसे नाराज़ हो गया कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, मुझे क्या मालूम ये बाल किसके हैं, तुम्हारे भी तो हो सकते हैं। इसकी बात सुनकर मुझे तैश तो बहुत आया। दिल किया कहूँ कि तुमने मुझे ये हक ही कहाँ दिया है कि मेरे बाल यहाँ नजर आते। मैं इसी वक्त मुंह मोड़कर वहाँ से निकल गई, मगर मुझे अब मालूम करना था कि मेरी नाक के नीचे यहाँ क्या खेल खेला जा रहा था। दूसरी सुबह जब मैं नहाने के लिए गुसल खाने में गई तो वहाँ जो कुछ देखा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ तो और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। अब मैं अम्मा के साथ साथ अली के लिए भी पैसा कमाने की मशीन बन चुकी थी। मेरी कोलीग्स जब पूछती कि अब तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं दी तो मैं गड़बड़ा जाती। अब इनको क्या बताती कि अब तक हम दोनों सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं। लोगों का मुंह तो बंद करवा दिया करती थी, मगर अब मेरे अंदर माँ बनने की शदीद ख्वाहिश ने जन्म ले लिया था। मुझे एहसास था कि मेरे पास बहुत कम वक्त है, फिर तो मैं माँ भी नहीं बन सकती, मगर मैं क्या कर सकती थी। मेरे लब सिले हुए थे, अली मुल्तान गया हुआ था अपने वालदन से मिलने। इसके बिना मुझे चैन नहीं आता था, घर खाने को दौड़ता था, लेकिन जब वो वापस आया तो काफ़ी उलझा सा था। मैंने पूछा कि क्या बात है, तब वो बोला कि बस अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो मुझ पर जोर दे रही हैं कि मैं मुल्तान वापस चला जाऊं। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल तो जैसे उछल कर हलक में आ गया था। मैं इसके बिना कैसे रहूंगी, ये ख्याल मुझे सताने लगा था। सारी रात मैं सो ना सकी थी कि जाने अली के दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है वो मुझे छोड़कर अपने शहर वापस चला जाए, क्योंकि इसे मुझसे कोई मोहब्बत तो थी नहीं। दूसरे दिन मैं ऑफिस गई तो सर में शदीद दर्द था और मैंने अपने बॉस से छुट्टी ली और घर वापस आ गई। घर आते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ, एक लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। और इसी दिन मैंने जान लिया था कि मेरे घर में अली ना जाने किसके साथ रंग रलियाँ मना रहा था। लेकिन जब मैंने इस दिन गुसलखाने में मेकअप का सामान देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, मेरे दिलो दिमाग में झक्कर चलने लगे थे, जैसे मैं तपते सहरा में खड़ी थी जहाँ एक बूंद पानी भी मैसर ना था। जिसके लिए इतना कुछ किया वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी सारी तड़पती ख्वाहिशात को पूरा करूंगी। इसीलिए मैंने कोशिश शुरू कर दी थी और मुझे इस जगह का पता भी चल गया था। मुझे रात के वक्त जाना था ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो, इसीलिए मैं रात को ही गई थी। वो बोसीदा मकान एक नर्स का था जहाँ इसने मेरे लिए एक बच्चे का इंतजाम किया था। जी हाँ, इस रात मैं इसी बच्चे से मिलने गई थी। मेरी तड़पती मामता मुझे वहाँ तक खींच कर ले गई थी जहाँ वो गुल गोथना सा मासूम बच्चा मेरा मंतजर था। इसे देखकर मैं रह ना पाई, मैंने नर्स को इसकी रकम अदा कर दी थी। अब दो दिन बाद मैं इसको लेकर आने वाली थी, लेकिन एक ख्याल मुझे कचोके लगाए जा रहा था कि जाने किस माँ की गोद उजाड़ कर वो नर्स इस बच्चे को हॉस्पिटल से चुरा कर लाई थी। ये बहुत बड़ा गुनाह था और मैं भी इसमें हिस्सेदार बनने जा रही थी। मेरा ज़मीर बार बार मुझे मलामत कर रहा था, लेकिन मेरी ममता का जुनून मुझ पर हावी होने लगा था। मैं जब बाकी की रकम लेकर दूसरी रात इस नर्स के घर पहुंची, तो मेरा ही वो इंतज़ार कर रही थी। उसने मुझे झट से बच्चा थमाया और मुझे जाने का कहा। खबरदार, जो किसी को मेरे बारे में कुछ बताया तो वो जल्दी से पैसे गिनते हुए बोली। मैंने बच्चे को गोद में लेकर चूमा, मेरी ममता को तस्कीन मिल गई। मैं जल्दी से वहाँ से निकल आई। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा ही रही थी
کیونکہ میرے ہاتھ میں میرا بچہ تھا. گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں اسے لے گئی جہاں میں نے اس کی ضرورت کا سارا سامان پہلے سے لے رکھا تھا, اس کا دودھ, کپڑے, فیڈر, سب کچھ. بچے کے رونے کی آواز پر علی کی آنکھ کھل گئی تھی. وہ جلدی سے میرے کمرے میں آ گیا اور حیرت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا. یہ کس کا بچہ ہے عرصہ؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا اور میں اطمینان سے اسے بتانے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے, اسے میں نے گود لیا ہے. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میں نے اسے روک دیا. یہ میری زندگی ہے, میرا گھر ہے, اب مجھے تمہاری کوئی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ تم جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ رہنا مجھے بالکل گوارا نہیں ہے, جو میرے ہی گھر میں اپنی دوسری بیوی کو لا کر رکھتا ہے. اس کا حیرت سے منہ کھل چکا تھا. زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں, میں نے سب معلوم کر لیا ہے. پچھلی بار جب تم ملتان گئے تھے تو وہاں اپنی خالہ کی بیٹی سے نکاح رچا لیا تھا اپنی ماں کے کہنے پر, اور یہی نہیں اسے میرے گھر میں لے بھی آئے تھے. پورا ہفتہ وہ اسی گھر میں رہی اور مجھے کچھ خبر بھی نہ ہو سکی, کیونکہ میں تو صبح کی جاتی شام کو تھکی ہوئی واپس آیا کرتی تھی, اور تم نے مجھے شام کی چائے میں نیند کی گولی بھی دینی شروع کر دی تھی تاکہ میں کچھ بھی نہ دیکھ سکوں نہ سن سکوں. وہ ہکا بکا کھڑا میری باتیں سن رہا تھا. تمہارا قصور نہیں ہے علی, سارا قصور میرا تھا. مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم مجھے بس اپنا اے ٹی ایم مشین ہی سمجھتے ہو, اس کے علاوہ میری کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری نظر میں. اور اب تم جا سکتے ہو, تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. میں نے اسے گھر سے دفع ہونے کو کہا اور وہ وہیں کھڑا کافی دیر تک مجھ سے معافیاں مانگتا رہا مگر مجھے کچھ نہیں سننا تھا. میں نے اسے کہا کہ فجر سے پہلے اپنا سامان باندھ لے. مجبوراً وہ تھکے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. میں اپنے بیٹے شارق کو دودھ پلانے لگی مگر جانے کیوں وہ بے چین تھا, چپ ہی نہیں کر رہا تھا. کچھ دیر کو سو جاتا, پھر سے رونے لگتا. اس کی بے چینی اور تڑپ مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. علی جا چکا تھا اور میں نے ایک اور پھر فیصلہ کر لیا. جس طرح میں نے علی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور وہ میرا کبھی نہ ہو سکا تھا, اسی طرح یہ بچہ بھی میں زبردستی اپنی زندگی میں لائی تھی. اس کی ماں کتنا تڑپ رہی ہوگی, یہ خیال مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہا تھا. تقریباً دو دن بعد میں اس بچے کو اس کے والدین کے پاس لے گئی, جو کہ خبروں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے تھے کہ ان کا بچہ اسپتال سے چوری ہو گیا تھا. میں نے جب شارق کو اس کی ماں کی گود میں رکھا تو جیسے اس کی ماں کو نئی زندگی مل گئی. وہ میرا اتنا شکریہ ادا کیے جا رہی تھی کہ میں شرمندہ ہو گئی تھی. وہ مجھے دعائیں دیے جا رہی تھی اور میں خالی دامن لیے وہاں سے نکل آئی. مجھے اب واپس اپنی اما کے پاس جانا تھا, شاید ان کی ہی بد دعا لگی تھی. میں جیسے ہی ان کے گھر پہنچی تو جیسے اما کے بیمار جسم میں جان سی آ گئی. وہ کافی بیمار تھیں, مجھے دیکھتے ہی انہوں نے رو رو کر مجھ سے معافی مانگی کہ انہوں نے گھر کی ضروریات کی خاطر میرا حق مارا. انہیں خوف تھا کہ اگر میں نے شادی کر لی تو ان کے گھر کا خرچہ کس طرح چلے گا. میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان سے معافی مانگنی شروع کر دی. قصور میرا بھی تھا, میں بے حس ہو گئی تھی اپنی خواہشات کی خاطر. بیوہ ماں اور بہنوں کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا. کچھ ہی دن بعد علی نے مجھے طلاق بھجوا دی تھی اور اماں نے میری دوست کے دیور کو بلاوا بھیج دیا. بڑی حیرت کی بات تھی کہ وہ اب تک میرے انتظار میں بیٹھا تھا. میری دوست نے بتایا تھا کہ میں اسے بہت پسند آ گئی تھی جب سے وہ شادی سے منع کیے جا رہا تھا. ہمارا نکاح سادگی سے ہو گیا تھا اور حیدر میرا بہت خیال رکھتے, میرے ناز ایسے اٹھاتے جیسے ان کی پہلی شادی ہو, اور میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی. اب میں اپنی ساری تنخواہ اماں کو بھجوا دیا کرتی تھی کیونکہ حیدر کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی, اور شاید ایک ماں کو اس کے بچے سے ملوانے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں بھی امید کی کرن جگائی تھی. ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا کیونکہ میں 40 کی ہو گئی تھی اور اس عمر میں بہت سے خطرات لاحق ہو سکتے تھے. اب میں جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کیونکہ میں گناہ کرنے سے بچ گئی تھی, ورنہ آج اس تڑپنی ماں کی بد دعائیں بھی میری زندگی میں شامل ہو جاتی, اور ماں کی بد دعا تو عرش ہلا دیتی ہے.